गुल्लक ये वो जादुई पिटारा है जो जब भी खुलता है होठों पे एक बड़ी सी स्माइल देके जाता है। पहली बार गुल्लक शो 2019 में आया और सच बता रहा हूँ तब से अब तक हर सीजन खत्म करते ही मन में एक ही ख्याल आता है कि अगला कब आएगा। तो अब इंतजार खत्म हुआ और आ रहा है दुनिया का सबसे बेहतरीन शो गुल्लक का सीजन 4। ये जब भी आता है एक शो की तरह नहीं बल्कि एक फेस्टिवल की तरह आता है जिसे आप सबके साथ बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। हर मिडिल क्लास के घर के हाल ये शो बता के जाता है और घर के सभी इससे रिलेट भी करते हैं। ये एक कहानी नहीं है बल्कि कुछ किस्से हैं जो कि हमारे घरों में रोज ही होते हैं। ये किस्से हैं मिश्रा परिवार के, जहां एक माँ है जो कि घर की बॉस है लेकिन सबसे ज्यादा दुखी भी यही रहती है। एक बाप है जिसपे सारा दावेदार है कमाने का भी और बच्चों और माँ की खुशियों का भी। इनके दो सुपुत्र हैं अन्नू मिश्रा और अमन मिश्रा। अन्नू बड़े भाई हैं और अमन छोटे, और छोटा अब बड़ा हो रहा है तो शरारते भी करेगा और गलतियाँ भी। अब खेल है मम्मी पापा के पेरेंटिंग वर्सेस अन्नू मिश्रा की एडल्टिंग का, और शो में है इन्हीं की नोक झोंक टकरार और बहुत सारा प्यार। पुराने सीजन का सारा रस इस सीजन में निचोड़ दिया है डायरेक्टर ने, ट्रेलर देख के तो ऐसा ही लग रहा है। अब बस इंतजार है तो 7 जून का, जब गुल्लक सीजन 4 रिलीज होगा। पिछले तीनों सीजन में केवल मिश्रा परिवार के अंदर की दुनिया के बारे में बताया गया है, अब बच्चों की बाहर की दुनिया भी इसमें शामिल है। सीधे सीजन 4 देखोगे तो भी चलेगा लेकिन अगर शुरू से शुरू करोगे यानी सीजन 1 से तो एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलेगा। इन सभी की परफॉर्मेंस की जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। चारों कैरेक्टरों ने अपने रोल को बखूबी निभाया है और किस्से कहानियों का तो क्या ही कहना। अगर चारों सीजन एक साथ देख लोगे ना तो सचमुच लगने लगेगा कि ये चारों एक फैमिली ही है। हाई हाई हाईली रिकमेंड है, देखना ही देखना है इस शो को। पिछले सीजन देखे हैं तो ये वाला मिस मत करना, और पुराने सीजन नहीं देखे तो पहले तीनों सीजन देख डालो फिर इसे देखना। सोनी पे आपको चारों सीजन मिल जाएंगे लेकिन देखना पूरी फैमिली के साथ ही बैठ के, क्योंकि गुल्लक का असली मजा तो सबके साथ देखने में ही आता है।